नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज की बड़ी खबर यह है कि जो काम सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाया, बैंगलोर की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने करके दिखा दिया। चुनावी बॉन्ड की इंक्वायरी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो इंक्वायरी नहीं कर सकती, तो बैंगलोर की एक अदालत जो कि ACMM की कोर्ट है, उसने आदेश दिया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के खिलाफ FIR हो। और सिर्फ वित्त मंत्री नहीं बल्कि JP नड्डा और कर्नाटक के जो लीडर्स हैं नलिन कतील और BY विजेंद्र, जो कि BS येदुरप्पा के बेटे हैं। और ये FIR के आदेश इसलिए दिए गए हैं क्योंकि जनसंघर्ष समिति एक है वहां पर, जिसके आदर्श अय्यर नाम के एक व्यक्ति ने एक निजी कंप्लेंट फाइल की थी। वैसे तो 14-15 कंप्लेंट्स फाइल की गई थी, लेकिन एक उनकी कंप्लेंट पर अब मेट्रोपॉलिटन अदालत ने तिलक नगर पुलिस स्टेशन को ये आदेश दिया है कि निर्मला सीतारमन के खिलाफ जो चुनावी बॉन्ड का मसला था, उसको लेकर FIR दर्ज हो। और उस कंप्लेंट पे ये लिखा है कि कंप्लेनेंट को ये लगता है कि चुनावी बॉन्ड एक बड़ा फ्रॉड था, जबरन उगाही का एक जरिया था, जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज ने डोनेशन दिया। शुरू में मैंने आपसे बात कही कि जो काम सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाया वो मेट्रोपॉलिटन अदालत ने किया, तो आज ये जो आदेश मेट्रोपॉलिटन कोर्ट की तरफ से आया है, ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर कमेंट्री है कि जो हमारे देश की जो जांच एजेंसीज हैं, चाहे वो CBI हो, IT हो, ED हो, आखिर ये क्या कर रही हैं। फरवरी 2024 में चुनावी बॉन्ड का फैसला आया था, जिसमें कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ की जो बेंच थी उसने ये कहा था कि वो गैर संवैधानिक है। उसके बाद इंक्वायरी के लिए उन्होंने मना कर दिया, लेकिन आज तक कोई भी एजेंसी जो केंद्रीय जांच एजेंसी है उसको ये नहीं लगा कि नैतिकता के आधार पर जो चीज गैर संवैधानिक है तो उसकी जांच भी की जाए। कोई चू भी नहीं कर रहा है। तो अब एक गैर BJP शासित राज्य में, क्योंकि ये एक इंक्वायरी खुली है, ये अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है। क्या निर्मला सीतारमन को जेल हो सकती है? मोदी जी का इसमें नाम नहीं है, लेकिन क्या मोदी जी और BJP के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है एक ऐसे समय में जब देश में हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड और उसके बाद दिल्ली, इन सभी राज्यों में चुनाव का सिलसिला लगभग शुरू हो गया है। कुछ राज्यों में चुनाव की काउंटडाउन शुरू हो गई है। तो ऐसे में क्या ये चीजें BJP के लिए बैकफायर करेंगी? हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील अरुण अग्रवाल जुड़ रहे हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है। और ये जो ACMM कोर्ट का जो ये आदेश है, और आदर्श अय्यर नाम के व्यक्ति जिसकी निजी कंप्लेंट पर ये आदेश आया है, ये कितनी बड़ी मुसीबत है निर्मला सीतारमन और BJP सरकार के लिए? यह कितनी बड़ी मुसीबत है ये तो बाद में पता चलेगा कि किस तरह की जांच होती है, क्योंकि जांच करना जो है वो कोर्ट का काम नहीं है। वो उसको सुपरवाइज कर सकती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन वो नहीं करेगी। और ये एक जो संस्था है जन अधिनायक, ये संघर्ष जन संघर्ष, ये एक जेन्युइन संस्था है जो कि बहुत सालों से करप्शन के खिलाफ लड़ रही है। इन्होंने सिद्धि रमैया के पहले रेजिम में उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस किए थे। उसके अलावा उन्होंने जो है कोविड में ये सब में जो है येदुरप्पा की जब सरकार थी तो उनके खिलाफ भी केस किया गया। तो ये इनके बारे में नहीं कहा जा सकता कि ये सिद्धि रमैया या किसी के ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक बहुत ही जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एंटी करप्शन के तरफ वो काम कर रहा है, समाज को सुधार रहा है। इन लोगों की और भी तारीफ इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि अगर ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर में जाते तो ये तमाम जितने भी पॉलिटिशियन हैं ये अपने को बचाने के लिए उसमें कर दिया है कि अपने को भी और अपने ब्यूरोक्रेट्स को भी जिनके थ्रू ये पैसा कमाते हैं कि आपको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो इन जांच करने पहले ही आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, जिस बात को अभी आपने देखा कि गवर्नर ने जो है सिद्धि रमैया के खिलाफ जो है जांच के पहले अप्रूवल दे दी, लेकिन खाली उसके खिलाफ दी और लोगों के खिलाफ नहीं दी जो BJP के लोगों के खिलाफ। तो BJP का गवर्नर है तो यही काम करेगा। खैर, वो थोड़े मुद्दे से भटक गए। तो उन्होंने क्या किया कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के खिलाफ न जाके वो चले गए इंडियन पिनल IPC के अंदर में। मैं IPC जानबूझ के कह रहा हूँ क्योंकि ये जो संशोधन आया है इसके अंदर में उसके पहले का ये केस है। तो वो गए और पुलिस में कंप्लेंट लिखाई। अब पुलिस यहाँ पर भले सरकार हो कांग्रेस की,
लेकिन पुलिस वाले में हिम्मत कहाँ कि जो है फाइनेंस मिनिस्टर और इतने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ जो है FIR लॉन्च करें। तो उन्होंने समय देखा, ये किया, जब वो नहीं किए तो अब जाके उन्होंने जो है जो एक स्पेशल कोर्ट बना हुआ है जहाँ पर कि MLA MPs के खिलाफ जो क्रिमिनल केसेस होते हैं फास्ट ट्रैक, उसमें जाके उसने जो है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ ये शिकायत लगाई कि देखिए वो पुलिस जांच नहीं कर रही है, FIR नहीं डाल रही है, तो आप तो फिर उन्होंने उसका संज्ञान लेते हुए 156(3) के अंदर में पुलिस को डायरेक्ट किया कि आप FIR करिए और इसका इन्वेस्टिगेशन करिए। अब जो आपका सवाल है कि कहाँ तक ये सफल होंगे, ये तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर है, क्योंकि आज पुलिस कितनी रिलायबल है, कितनी ईमानदार है, ये सब कोई को मालूम है। यही बात तो सुप्रीम कोर्ट को कही गई थी कि आप स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम लगाइए, क्योंकि ये खुद ही ये जजमेंट में बात हो रही है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में क्विड प्रो था, लोग देख भी रहे हैं कि क्विड प्रो हुआ, और इसमें जो तीन कंपनी उन्होंने नाम लिया है अपनी FIR में, उसमें दो कंपनियां तो अनिल अग्रवाल जो कि हमारे माइन के जो किंग है, सबसे ज़्यादा वो कब्जा किए हुए हैं वो मिनरल के ऊपर, तो उनकी कंपनी है वेदांता और स्टेरलाइट, और एक कंपनी है अरबिंदो फार्मा जो इन्वॉल्व थी दिल्ली के शराब घोटाले में, और जिनका लड़का वो प्रशांत रेड्डी जो है उसको 25 करोड़ रुपए दिया गया और तब उसको बेल मिली और वो अप्रूवर हो गया, तो वो भी एक्सट्रॉशन, ये भी एक्सट्रॉशन। अब सवाल है कि हम लोगों को तो इवेंट जो दिखता है उससे लगता है एक्सट्रॉशन। अब उसकी ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और ये लोग हैं तो उसका सबूत और गवाह कहाँ से होगा? अरे जहाँ पर पैसे ही लेके जब काम हो रहा है तो वही सबूत है, लेकिन इसको किस हद तक कोर्ट मानती है नहीं मानती है इसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात है कि ये फिर से चले जाएंगे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का क्या रवैया है? आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे मामले में जुडिशरी भी पॉलिटिसाइज हो रही है, पिटिशनों की भाषा में बात कर रही है कि वो मिनी पाकिस्तान है तो वो उनकी संख्या बढ़ जाएगी। नमन, थोड़ी सी भी अकल हो, इस तरह की बातें नहीं करी जाती। तो वहाँ से अगर वो स्टे ले लिए तो जितना भी ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने लॉज करने के लिए कहा तो वो हो सकता रुक जाए, लेकिन उम्मीद कम है, क्योंकि चंद्रचूड़ ने यही बात कही कि जाइए तो हम कहाँ जाएं? अरे जो आदमी कानून को तोड़ा है हम उसी के पास जाए शिकायत करने, तो वो तो शिकायत तो दर्ज होगी नहीं, क्योंकि इसमें क्योंकि ये मेट्रोपॉलिटन कोर्ट का मामला है, तो अगर ये मामला अगर इस पर स्टे भी लेते हैं तो हो सकता है हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट तो भी दे सकता है ना इस पर स्टे या नहीं दे सकता? हाँ, वो कोई भी चीज पर कुछ भी करे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसको जो मन में आए करे। वही एक मामले में कह देंगे टॉम डिक एंड हैरी है थोड़े है ये चीफ मिनिस्टर, दूसरे मामले में उनको अंदर कर देंगे जब तक इलेक्शन ना हो, और अगर आदिवासी हो तो इलेक्शन के समय भी उसको बेल नहीं देंगे, जबकि वो बाद में वैसी हाई कोर्ट से पूरा बरी होके आता है। तो ये जो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स चल रही है उसमें ये जो है आप एक के खिलाफ केस करो, झूठा केस करो, तो दूसरा भी आपके ऊपर केस करेगा। अभी BJP के ऊपर पिछले 10 साल से कोई केसेस नहीं हो रहे थे और ये धनाधान बिल्कुल नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है, तो अब नॉन BJP रूल स्टेट्स में भी अब इसका सिलसिला शुरू होगा, ये तो सब सही बात है। आप चुनावी बॉन्ड के केस में आना चाहती हूँ कि उसका चैप्टर एक तरीके से पूरा क्लोज हो गया था जब अगस्त में जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की जो बेंच थी उन्होंने कहा कि वी कैनॉट कंडक्ट अ रोविंग इंक्वायरी इनटू दिस केस और बाकी जो क्रिमिनल लॉज अवेलेबल है उनके तहत किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 32 के तहत इस मामले को मैं नहीं देख सकता हूँ, उस बेंच नहीं देखेगी। और उन्होंने ये भी कहा जो पिटिशनर ने बोला था कि उसमें इनकम टैक्स असेसमेंट भी होना चाहिए, उन सारी चीजों के लिए उन्होंने उस बेंच ने मना कर दिया। अब क्या ये सुप्रीम कोर्ट पर भी एक बहुत गंभीर टिप्पणी है एक तरीके से कि जो काम सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाया और जो हिम्मत नहीं कर पाया, काम नहीं मैं हिम्मत की बात करूंगी कि जो हिम्मत को उच्च कोर्ट सबसे जो देश का है वो नहीं कर पाया, आज क्या ये जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट साहब हैं क्या इनकी
तारीफ नहीं होनी चाहिए जो हिम्मत उन्होंने दिखाई कि जो विश्व का सबसे बड़ा करप्शन स्कैम है इलेक्टोरल बॉन्ड, उसको एक तरीके से उस पर इंक्वायरी रिओपन की है उन्होंने। नहीं देखिए, एक तरह से तो वो कानून में वो बाउंड है कि इस तरह का ऑर्डर पास करने के लिए, लेकिन हर आदमी बाउंड होने के बाद भी ऊंचे पद पर बैठे हुए लोगों के खिलाफ हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत तरह से उसको हार्म कर सकते हैं। तो आदमी ये सोचता है कि जब ऊपर में जब लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रही है, तो मैं अपनी गर्दन इसमें क्यों फंसाऊं? क्योंकि भाई उनको भी तो समझ में आ रहा है। अब हम लोगों को भी ये सोचते हैं कि चलो भैया 70% तो जस्टिस मिली, अब वो 20-30% नहीं मिली तो छोड़ो, कम से कम ये तो हुआ कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को स्ट्राइक डाउन कर दिया। कोई दूसरी बेंच होती तो हो सकता है कि स्ट्राइक डाउन नहीं होता, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जैसी बेंच वैसा फैसला। तो आप दोनों तरफ से देख सकते हैं कि हमें कुछ मिला, या आप देख सकते हैं कि हमें पूरी जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस नहीं मिली, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक्सट्रॉशन था, क्विड प्रो था, सब कुछ था, ये सबको दिख रहा है। देखिए, आप कानून को भी अगर आप करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप कॉमन सेंस लगाते हैं कानून में, ऐसा नहीं है कि बाय द लेटर ऑफ द लॉ। सबको दिख रहा है कि ये रूलिंग पार्टी को एक्सट्रॉशन से पैसा जाता है, पहले भी जाता था, आज भी जा रहा है, लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तो इससे बहुत लोग डिसअपॉइंटेड थे। तो उस हद तक जो ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने ये जो ऑर्डर किया, अब सही टेस्ट है ये सिद्धिरमैया का और उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर का। वो लोग क्या एक अच्छे या ईमानदार अफसर को अपॉइंट करके इसको इन्वेस्टिगेट करा सकते हैं या नहीं? ये पिछले 3 महीने से ऐसा तो नहीं है कि ये FIR लोगों ने जरूर चिट्ठी लिखी होगी चीफ मिनिस्टर को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, तो प्रिटेंड करेंगे कि हमने पढ़ा ही नहीं, नीचे से रुक गया। तो क्या ये उस समय नहीं कह सकते थे अपने DGP को कि देखो ऐसा करप्शन का केस है, इसको इन्वेस्टिगेट करो? अब जब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उसका संज्ञान ले लिया या कहा FIR करने को, तब ये लोग कूद रहे हैं कि जैसे तुम मेरा रेजिग्नेशन मांग रहे थे तो तुम खुद अपना भी रेजिग्नेशन दो, और कुमारस्वामी भी कि तुम दो, तो वो कह रहे हैं कि अरे मेरे जेब में थोड़े पैसा गया। अरे कब कहा है? वो पूरी मिनरल जो है रेड्डी, आप ये कह रहे हैं कि ये मेट्रोपॉलिटन कोर्ट की जो FIR है ये एक ऐसे समय में आ रही है जब सिद्धरमैया के ऊपर भी भ्रष्टाचार के केसेस लगे हुए हैं और जो म्यूटा लैंड स्कैम है उसमें, तो क्या इसमें ईमानदार जांच कोई होगी, या फिर सिद्धरमैया ये कहेंगे कि ठीक है हम चुनावी बॉन्ड की इंक्वायरी नहीं करेंगे और आप हमारे म्यूटा लैंड स्कैम की इंक्वायरी मत करिए? अगर ये इस तरीके का ट्रेड ऑफ दोनों के बीच में हो जाता है तो फिर क्या होगा? देखिए, हमें वो परिचित थे बहुत, वो जॉर्ज फर्नांडिस कहते थे कि इंटायर पॉलिटिक्स इज अबाउट ब्लैकमेल, म्यूचुअल ब्लैकमेल, और कुछ नहीं होता है। आप अगर आप देखेंगे कॉलेजियम में, जो मैं थोड़ा भटक रहा हूँ, जो जजेस के अपॉइंटमेंट होते हैं उसमें भी लोग यही कहते हैं एक मेरा एक तुम्हारा, तो मेरिट कहीं नहीं रहता है। तो ये जो हमारे देश में हो रहा है कि हमारी इंटीग्रिटी नहीं है, वहाँ पर क्या है इंग्लैंड में कि एक कॉप छोटा सा वो प्राइम मिनिस्टर को रोक देता है, वो ये नहीं देखता उस समय कि ये प्राइम मिनिस्टर है, स्पीडिंग टिकट दे देगा। एक बार वो कुछ हुआ था, हमें याद है, वो बच्चे इधर से उधर खो गए थे, बड़े छोटे बच्चे थे, वो पुलिसमैन ने उसके ऊपर जो है वो लगा दिया। तो उसको न केवल जनता अप्लॉड करती है, जो पॉलिटिशियन है वो भी कहता है कि हाँ तुम अपना काम कर रहे थे, ईमानदारी से कर रहे थे, और उसको विक्टिमाइज नहीं किया जाता है। यहाँ पर अगर कोई भी ईमानदारी से काम करे, वो आपको याद होगा कि एक कोई हवाई जहाज को या किसी ने चेक कर लिया था, BJP का था या क्या था, एक आदमी ने इतनी हिम्मत कर ली कि गॉगल्स पहन लिया प्राइम मिनिस्टर के सामने। अरे आप सोचिए कि किस किस तरह से जो है लोग विक्टिमाइज होते हैं कि हमने गॉगल्स आम लोग पहनते हैं पहन लिया, ही फेल्ट ऑफेंडेड कि हाउ डेयर यू। तो ये तो वही जो होता है कि घोड़े पर आप कैसे चढ़ गए। अरुण जी, जो सवाल है और पूरा देश जब ये जानेगा, क्योंकि आज की सारे अखबारों में ये खबर है कि
सभी वेबसाइट्स पर आ चुकी है लगभग कि निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR दर्ज होगी। तो अब देश के सामने जो बड़ा सवाल है कि अब क्या लीगल प्रोसीडिंग निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा, नलिन कतील और जो BY विजेंद्र और ये जितने भी लोग हैं, इनके खिलाफ कौन सी लीगल प्रोसीडिंग होगी और क्या इस तरीके से प्रोसीडिंग्स चलेंगी कि इन लोगों को जेल होगी? नहीं, देखिए पहली बात तो ये समझना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कांग्रेस का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये लोग जेन्युइन है तो ये हमको देखना है कि ये जो हैं सिद्धिरमैया और ये लोग कितने जेन्युइन है कि इसको इन्वेस्टिगेट करा सकते हैं। वो 30% सरकारा 40% सरकारा करते रह गए, तो अभी जब इनको मौका मिला है तो क्या इनके पूरे पुलिस इसमें जो है कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो ईमानदार हो और आइडियोलॉजिकली जो सही हो, जो इस बात को इन्वेस्ट कॉम्पिटेंट नहीं है कि एक ये छोटी सी चीज है इसको इन्वेस्टिगेट करके जो है उसको ले जाए उसके ऊपर, वो भी जाए ना कस्टोडियल इंटोग्रेशन करें, जाए अनिल अग्रवाल को रखें 7 दिन जेल में, उससे कहलवाएं, या ये जो रेड्डी है उसे कहलवाएं। तो ये सब ये करेंगे कि खुद लेके बैठ जाएंगे ये किसी को नहीं मालूम। तो नहीं, इस तरीके की इंक्वायरी क्या और भी नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स में हो सकती है, क्योंकि अभी तो कर्नाटक में शुरुआत हुई है, क्या इसकी शुरुआत और भी नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स में हो सकती है जैसे कर्नाटक में शुरुआत की है? हो सकता है ऐसी शुरुआत और राज्यों में दिखे? देखिए तमिलनाडु में इसलिए नहीं होगी कि उन्होंने भी काफी पैसे लिए, वो जो लॉटरी किंग था, लेकिन खाली एक वो तमिलनाडु था जहाँ क्विड प्रो नहीं था, क्योंकि वहाँ पर वो कोयम्बटूर में रहता था इसलिए दिया होगा कि हमको सेफ्टी मिले। तो वो करेंगे कि नहीं करेंगे, केरल करेगा कि नहीं करेगा, आंध्रा और वो दोनों स्टेट तो कतई नहीं करेंगे, तेलंगाना आंध्रा में तो कुछ नहीं होगा, पश्चिम बंगाल में भी देखिए वो ममता को सेंस ऑफ पावर बहुत ज्यादा है, इस तरह का वो कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे। और महाराष्ट्र में नई सरकार आती है तब भी वहां पर भी नहीं होगा, अगर कहीं हो सकता था। जो बात जो पॉसिबिलिटीज आप बता रहे हैं तो उससे तो फिर ईमानदार जांच की उम्मीद तो कम ही लग रही है, और ये बात कि निर्मला सीतारमण जेल जाएंगी वो तो बहुत दूर की कौड़ी लग रही है कि निर्मला सीतारमण जेल जाएंगी और नड्डा जी का भी उसमें नाम है, तो ये केवल एक सिम्बॉलिक चीज है जो थोड़ा हिम्मत करके इस मैजिस्ट्रेट ने दिखाई, या फिर वाकई में एक लॉजिकल कंक्लूजन पर ये केस पहुंचेगा? नहीं, इस पर लोगों की निगराई वो तो रहेगी कि भाई इसमें क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कितने दिन में इन्वेस्टिगेशन होगा, क्या ये लोग कर रहे हैं, उतना तो होगा। अब सवाल है कि भाई बहुत लोग नहीं चाहेंगे कि निर्मला सीतारमण जेल जाएं, उनके ऊपर उनके पर्सनल इंटीग्रिटी पर कभी भी धब्बा नहीं लगा, ये कितना भी बोले, जैसे मनमोहन सिंह थे उनकी ईमानदारी पर लोग उसके दुश्मन भी हैं पर्सनल नहीं लगा, लेकिन उनको इतना लोगों ने बदनाम कर दिया, और आज वही लोग जिन लोगों ने बदनाम किया दे आर द वंस दे आर मिसिंग हिम, क्योंकि जितना डेवलपमेंट उनके 10 साल के उसमें हुआ उतना ही हम पीछे चले गए। तो ये एक रिलेटिव बात है कि जो है निर्मला सीतारमण को जेल तो ऐसे भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो बेमान उनकी बेमानी का वो नहीं है, हाँ उनकी पॉलिसीज गलत हैं, वो ठीक से नहीं वो कर पाती हैं आर्टिकुलेट, वो प्रेशर में जो है लोगों को इंडस्ट्रीज को ज़्यादा वो देती हैं, तो ऑल दैट वी कैन डिसअग्री, बट नो बडी डाउट सर। अब वो देखिए ना कितनी बड़ी आयरनी है कि जो आदमी कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, हाँ वो आदमी के ऊपर करप्शन का इल्जाम लग रहा है कि पैसे नहीं है, तो ईमानदार आदमी का यही होता है वो चुनाव तो जीत सकता नहीं है, तो उनको ना जेल होगी ना उनको जेल जाना चाहिए ये पैसे। लेकिन जो आदमी जो इन लोगों ने जो कंप्लेंट डाली वो सोच समझ के डाली कि हमको परमिशन नहीं लेना पड़े, नहीं तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ता तो एक वहीं पर ये जो है आगे बढ़ता नहीं, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ना डाल के इन्होंने IPC में डाला, ये बड़ा अच्छा किया। निर्मला सीतारमण ऐसे भी ईमानदार हैं भाई, लेडी हैं। किसी जो कंप्लेन फाइल हुई थी उसके बाद 3 नए जो आपराधिक कानून आए तो उससे कोई फर्क पड़ता है, या जो जिस कानून
रजिस्टर हुआ था उसी में चलेगा मामला? नहीं नहीं नहीं, कानून वेरी दोनों सिमिलर है, और ये है कि जो उधर है कुछ सेक्शन का इधर उधर है, लेकिन जैसे इस सरकार की आदत है कि लोगों को जो है हरदम तंग करते रहो, कुछ ना कुछ चिकोटी काटो, इधर करो, डोंट लेट देम बी इन पीस। पूरा क्रिमिनल लॉ जब वो अमेंडमेंट करके ला सकते थे, वो नहीं करके पूरा चेंज कर दिया। अब आप नई चीज सीखिए, नए सेक्शन सीखिए, नाम बदल दिया, रह गया वही, यही अगर अमेंडमेंट ले आते तो कुछ नहीं बिगड़ता। या कोर्ट भी कहती कि भाई अमेंड कर दो, वही रहने दो। अभी इतने दिन से 420 चल रहा है, 302 चल रहा है, आप जनता जानती है, किसी को समझ में आएगा कि इसके नए सेक्शन क्या है? तो नया या पुराना, वो जो है वही कानून है, बोतल भी पुरानी है और शराब भी पुरानी है, कोई चीज उसमें बदला नहीं, लेबल खाली बदला है। नहीं तो क्या चुनावी बॉन्ड की जो पूरी इंक्वायरी थी जिसको डिसमिस कर दिया एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या किसी भी तरीके से, ये तो एक उन्होंने इनोवेटिव तरीका निकाला कि भाई आप मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में गए, आप वहां पे आपने कंप्लेंट दर्ज की और फिर ये पूरा मामला इंक्वायरी रीओपन हो रही है, लेकिन क्या और तरीका हो सकता है इस चुनावी बॉन्ड की इंक्वायरी को रीओपन करने का, या फिर ये केस अब ठंडे बस्ते में चला गया है, हम भूल जाएं कि इस पर कोई इंक्वायरी होगी, कोई ईमानदार जांच होगी? देखिए, इसमें इंक्वायरी जब तक बीजेपी सेंटर में रहेगी तब तक इस पर कोई इंक्वायरी नहीं होगी, और अगर कोई ऐसी सरकार आवेगी जिसमें कि बीजेपी का कोई से नहीं रहेगा या उसका कोई अलाइड वो नहीं रहेगा, तभी ये सारे इतने सारी गड़बड़ियां हुई हैं कोविड में लेके और वो पीएमओ वाले फंड को लेके, ये सारा जो हुआ है उसमें एक नहीं कितने क्रिमिनल केसेस बनेंगे। लेकिन नई सरकार आने के बाद जो है, अगर आई तो अगर वो देखेंगे तभी होगा, लेकिन ये उम्मीद करना कि एग्जिस्टिंग सरकार में कुछ होगा, ये जो है बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्ट होने का वो है, ये नहीं होने वाला है, कभी भी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट की जो इंक्वायरी है, ये क्या है, ये एक सिंबॉलिक चीज है, इस पर कुछ एक लॉजिकल एंडिंग इसमें हो सकती है, या केवल एक दिखावा मात्र है और एक इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ जी नहीं, अगर हिम्मत है तो सिद्धरमैया कहें कि दिस मैटर विल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डीआईजी रैंक ऑफिसर, कौन मना करता है? लेकिन कर पाएंगे? खुद ही अपने उनके वो शिव कुमार की भी वही हाल है, इनके भी यही हाल है, उनके ऊपर 20 केसेस उसी फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर है, डिपेंडेंट है, तो वो तो एकदम नहीं करेंगे, वो देखेंगे कि सिद्धरमैया कैसे जाएं तो हम पावर में आए। नहीं, लेकिन एक चीज भी है कि एक राजनीतिक सवाल भी आपसे पूछ रही हूँ कि जिस समय ये पूरा चुनावी बॉन्ड को लेकर जो वर्डिक्ट आया था वो फरवरी में आया था, उस समय लोकसभा के चुनाव बिल्कुल सिर पर थे और उस समय जिस तरीके का नैरेटिव बना वो सबने देखा, और अब विधानसभा के चुनाव के बीच में अगर इस तरीके का एक मामला सामने आया जहां पर वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री के खिलाफ FIR और जो पार्टी के प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा, अगर उनके खिलाफ FIR की बात कही जा रही है, तो ये क्या चीजें बीजेपी के लिए बैकफायर कर सकती हैं जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में भी? नहीं, ये तीन चार जगह तो ये चुनाव हार ही रहे हैं, तो वो तो स्थिति बहुत स्पष्ट है। अब रही दिल्ली की बात, तो वो अलग बात है कि उसमें ये क्या होता है, लेकिन हमें नहीं उम्मीद है कि ये इतना बड़ा, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं होगा। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हर तीसरे दिन, जैसे शराब का घोटाला था तो लोग जेल में थे तो हर तीसरे दिन वो न्यूज़ में रहता था, ये आज न्यूज़ में है, एक हफ्ते के बाद ये न्यूज़ में नहीं रहेगा, समझे ना? तो और ये इनमें उतनी कैपेसिटी नहीं है, हम सही बता रहे हैं कि ये जितने भी हैं, हमें याद है एक कांग्रेस का मिनिस्टर था वो HK पाटिल, मैं वो केस लड़ रहा था उनके फेवर में था, वो हमसे कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप ही करिए। तो ये तो इनके सीनियर मिनिस्टर लोगों का हाल है, तो जूनियर लोगों का आप सोचिए कि क्या होगा। इनके स्टेक्स जो है ना बहुत भारी हैं, ये कुछ नहीं करें, जो है अगर वो अफसर ने कर दिया देन वी हैव टू बी थैंकफुल, लेकिन वाई शुड ही पुट हिज करियर ऑन द लाइन। लेकिन ये है कि एक बार तो इनको सबको ही को सतर्क होना पड़ा कि देखिए एक इन्होंने वो किया, और इनके ऊपर भी बहुत परसिवियरेंस है,
कि अगर वो कोर्ट में परसिवियर करते जाए जैसे अभी किया तो हो सकता है कि कोर्ट से रिलीफ मिले कि वो उसे रिपोर्ट को नहीं माने, री इन्वेस्टिगेट कराए। नहीं, लेकिन अब जो मेरा आखिरी एक दो सवाल है बस, कि क्या इसमें ईमानदार जांच की हम उम्मीद कर सकते हैं? क्या सिद्धरमैया के पास इतना मॉरल टॉपिट्यूड होगा कि वो जाकर इसमें एक माइल एक्स्ट्रा जाकर और इसमें अगर ईमानदार जांच की वो घोषणा करते हैं तो क्या वाकई में ये चीजें बीजेपी के लिए खराब हो सकती है? नहीं, हो सकती है। वो तो बस वही अब रेजिग्नेशन मांगेंगे कि हमें पकड़ा तो आपने किया, तो वो उसको पॉलिटिकल इशू बना देंगे। ये तो कहेंगे नहीं कि ये मेरे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में है तो मैं देखता हूं कि आप लोग कितने करप्ट थे। पहले तो तुम उनको बताओ ना कि करप्ट हैं, तब उसके बाद ना रेजिग्नेशन मांगो। यू आर दी चीफ मिनिस्टर, तुम्हारे पुलिस के अंदर में ये केस है, तो तुम जो है ये दिखाओ कि 15 दिन में कि हमने इसमें ये प्रोग्रेस दिखाया कि ये क्विड प्रो था, ये कंपनियां थी। वो केवल 3 कंपनियां तो है नहीं उसमें, जितने लोगों को आईटी और ईडी ने आर्म ट्विस्ट किया, ये दोनों डिपार्टमेंट जो है फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर में आते हैं, सब कोई को तुम बुला के इन्वेस्टिगेट करो ना, समन करो। अगर तुम वो करते हो उसके बाद तुम कहते हो, ये तो बड़ा अच्छा है कि किसी ने वो काम किया, FIR किया, तो आपको बैठे बैठे मुद्दा मिल गया, आपने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो हल्ला कर दिया कि तुम भी रिजाइन करो। अरे तुम कुछ करके तो दिखाओ ना, जैसे बीजेपी करती है, अंदर किया था तुम भी अंदर करो। वो तो होगा नहीं, तब तुम मांगो रेजिग्नेशन, देखिए क्या होता है। मैंने ये, लेकिन क्या ये चुनावी बॉन्ड का जो पूरा केस है और जो पूरी इंक्वायरी है, क्या उसका एक नया अध्याय आपको लगता है कि आज शुरू कर दिया है बैंगलोर की इस अदालत ने? देखिए, जनता के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो लोग पॉलिटिशियन है, बहुत मामले में ये होता है कि जनता वर्सेस पॉलिटिशियन होता है, और बहुत मामले में होता है कि दिस पार्टी में ये कम हमें नुकसान करेगी, वो ज़्यादा नुकसान करेगी, तो यही अंतर रहता है। तो उसमें अगर आप ये देखेंगे तो जनता को तो हर तरह से खुश होना चाहिए कि एक एनजीओ ने, कर्नाटक के एनजीओ ने एक इनोवेटिव तरीका निकाल के जो है उसमें FIR दर्ज कराई, और आगे क्या होता है वो देखा जाएगा। अगर देखिए, अगर वही ईमानदार जज होगा तो वो भी उसको आगे बढ़ाएगा ना, क्योंकि जज को, अगर ईमानदार कोई जज है तो उसको कोई चीज से डरने की जरूरत ही नहीं है। ये हमने टाइम एंड टाइम अगेन देखा है, वो इंदिरा गांधी का उस समय का JML सिन्हा की बात हो तो, और उसके बाद सिंघवी साहब की बात हो जिन्होंने 2G का जजमेंट दिया, तो ऐसे बहुत सारे ईमानदार जजेज रहे जिन्होंने कि निष्पक्ष रूप से काम किया और ऑर्डर पास किए। तो देखिए, उसमें हम लोग खाली उम्मीद कर सकते हैं, बट पीपल शुड कीप ऑन ट्राइंग, और ये और लोगों को भी इनकरेज करेगा कि देखिए किसी ने एक अच्छा काम किया। बिल्कुल जी, चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।